हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आपका स्वागत है आज की नई वीडियो में जो हमारी क्यूटी के ऊपर बेस्ड है। तो आज की हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। तो आज हम क्यूटी की वीडियो में बात करेंगे कि क्यूटी में हमारे फ्रेम और कर्सर के जो फंक्शंस होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारा जो टूल टिप फंक्शन है क्यूटी के अंदर वो कैसे वर्क करता है, उसको उसके अंदर कैसे हम कोड लिखते हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। और आज हमारा नया फंक्शन हम यूज़ करेंगे क्यूटी के अंदर, जो कि एक फ्रेम। हमारे क्यूटी के अंदर फ्रेम क्या होता है, फ्रेम को कैसे डिजाइन करते हैं, और फ्रेम के अंदर हमारा जो कर्सर है वो किस तरह से शो होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोडिंग विद सीआरपी के साथ और समझते हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने अपना टर्मिनल ओपन किया। टर्मिनल ओपन करने के बाद हम अपने फोल्डर के अंदर जाएंगे जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था। तो यहाँ पे हमने फोल्डर क्रिएट किया था, तो चेक करते हैं हमारा फोल्डर किस नाम से है। ls-l हमने किया तो हमारा फोल्डर आया, ये रहा हमारा फोल्डर जो हमने बनाया था क्यूटी प्रोग्रामिंग। तो इसके अंदर हम गए क्यूटी प्रोग्रामिंग के अंदर हम गए। तो ये हमारा जो हमने डायरेक्टरी बनाई थी टूल टिप, ये हमारी पुराने वाली डायरेक्टरी जो हमने क्रिएट की थी। तो अब हम इसको क्लियर कर देते हैं। इस फोल्डर के अंदर हम अपनी नई डायरेक्टरी बनाते हैं जो हम आज का फंक्शन यूज़ करेंगे। mkdir हमने बनाई न्यू डायरेक्टरी किस नाम से, कर्सर एंड क्या हमारा फ्रेम। हम क्या यूज़ कर रहे हैं, दो आज हम नए फंक्शन सीखेंगे, मतलब दो हम कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे फंक्शन जो क्यूटी के है, एक कर्सर एक फ्रेम। फ्रेम क्या होता है और हमारा कर्सर क्या होता है। लास्ट में हमने बात किया था टूल टिप। टूल टिप भी हमारे कर्सर के ऊपर बेस्ड है, लेकिन टूल टिप में क्या होता है, जो हमारा कर्सर के साथ एक वैल्यू होती है मूव करती है कि हमें पता लग रहा है कि हमारा कर्सर किस साइड में मूव कर रहा है, लेफ्ट में या राइट में, अप में या डाउन में। तो लेकिन कर्सर क्या होता है, अब हमें इससे वीडियो में पता लगेगा कि हमारे कर्सर कितने टाइप्स के होते हैं और कर्सर की क्या आइडेंटिटी होती है, और कर्सर के अंदर कर्सर हर कर्सर की अपनी अपनी क्या इमेज होती है। और हम वीडियो में सीखेंगे फ्रेम क्या होता है, फ्रेम कितने टाइप्स के होते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्रेम क्या होता है, वर्टिकल फ्रेम क्या होता है, और सिंपल फ्रेम का कैसे कोड लिखा जाता है क्यूटी के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बनाई अपनी डायरेक्टरी, ये हमारी डायरेक्टरी बन चुकी है, यहाँ पे दिख रही होगी, ये रही हमारी डायरेक्टरी यहाँ पे दिख रही है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी डायरेक्टरी के अंदर। यहाँ पर हम डायरेक्टरी के अंदर गए, तो आइए क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज कर्सर क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में बात करें, सबसे पहले इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको इंग्लिश या। तो सबसे पहले हम बात करें, कर्सर इज अ स्मॉल आइकन, एक छोटा आइकन है जो इंडिकेट करता है हमारे पोजिशन ऑफ माउस को, कि जो मतलब हमारे जो माउस, जैसे मेरा ये है, जैसे मेरे स्क्रीन पे माउस का कर्सर शो हो रहा है, तो ये भी एक तरह से क्या है, कर्सर। लेकिन इसके साथ मैंने टूल टिप का यूज़ नहीं किया, मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो इसके साथ कोई मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा। अगर कोई मैसेज प्रिंट होता तो यहाँ पे मैंने किसका यूज़ किया होता, टूल टिप का। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर आपको नहीं पता तो उस लेक्चर को देखिए। अब इसमें क्या है, सिर्फ कर्सर है। अब जैसे मैं इसको इधर ले गया, मैं इसको इधर ले गया, मैं इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, जैसे मैं पूरी वीडियो में इसको मूव इन मूव आउट कर रहा हूँ, मतलब इसको घुमा रहा हूँ, तो एक तरह से मेरा क्या है, कर्सर। लेकिन मैं इसको घुमा किसके अंदर रहा हूँ, एक फ्रेम के अंदर। जैसे मेरा ये जो एक फ्रेम है, एक तरह से प्री डिफाइंड फ्रेम है जो किसी ने, कोडर ने इस फ्रेम को बनाया होगा। तो उस फ्रेम के अंदर मैं अपना कर्सर क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। तो आज हम इसी तरह से सीखते हैं कि फ्रेम के अंदर अपना कर्सर कैसे मूव करते हैं। तो ये बहुत सिंपल कोड है, बहुत आसान कोड है, आप इसको 1 मिनट में सीख लोगे। ये हमारा थोड़ा धीरे धीरे अपनी वीडियो में आगे चलेंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में सीखा था एक सिंपल फंक्शन की टूल टिप कैसे यूज़ करते हैं। अब हमने इस वीडियो में सीख रहे हैं कि हम फ्रेम और कर्सर कैसे क्रिएट करते हैं अपने क्यूटी का यूज़ करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोडिंग विद सीआरपी के साथ। तो सबसे पहले हमने बनाते हैं मेन फाइल, जो हमारी मेन फाइल है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, वो हमारी मेन फाइल डिपेंड होती है C++ लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड। तो vi main.cpp, cpp का मतलब होता है हम C++ की फाइल बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने फाइल ओपन करी, तो आइए अपना कोड लिख स्टार्ट करते हैं लिखना। तो सबसे पहले थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको आसानी से दिखे। तो आइए लिख स्टार्ट करते हैं, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं ये स्टार्ट, अब सबको विजिबल होगा अच्छे से। ये हमने अपनी पहली हेडर फाइल ऐड करी एप्लीकेशन की, फिर यहाँ पे हम दूसरी अपनी हेडर फाइल ऐड करेंगे, यहाँ पे अपनी दूसरी अपनी हेडर फाइल मैंने ऐड करी विजिट। अब हम यहाँ पे यूज़ क्या कर रहे हैं, दो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, एक तो फ्रेम
जो मैंने बताया था ऑफ एक कर्सर, और इन सबको प्रिंट कराने के लिए एक चीज़ होती है ग्रिड लेआउट। अब जैसे ये जो मेरा फ्रेम है, इस फ्रेम के अंदर मेरा कर्सर है, लेकिन जो फ्रेम जो मेरा शो हो रहा है एक लेआउट के कारण शो हो रहा है। अब जो लेआउट होता है वो हमारे दो तरह का होता है हमारे सिस्टम के अंदर। अब जो ऐसे है, मतलब अगर मेरा माउस ये ऐसे जा रहा है इस तरह, तो ये है मेरा हॉरिजॉन्टल लेआउट, और अगर मेरा माउस ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये है मेरा वर्टिकल लेआउट। अभी हम सिंपल लेआउट में बात करेंगे, ना इसमें हॉरिजॉन्टल है ना इसमें वर्टिकल, हम सिंपल लेआउट में बात करेंगे, मतलब एकदम सिंपल। हम इसमें ना हॉरिजॉन्टल यूज़ कर रहे हैं ना वर्टिकल यूज़ कर रहे हैं, हमारा कंप्यूटर क्या है इसको प्री डिफाइंड ले लेगा, ये अब इस कंप्यूटर इसको खुद अंडरस्टैंड कर लेगा। ओके, तो हम अपनी हेडर फाइल यूज़ करते हैं, पहले हम ये इसकी हेडर फाइल यूज़ करते हैं फ्रेम की, क्योंकि हम फ्रेम का यूज़ कर रहे हैं अपने इस कोड के अंदर। फिर दूसरी हम हेडर फाइल यूज़ करते हैं अपनी किसकी किसकी जल्दी बताओ, ग्रिड की, ग्रिड की हम हेडर फाइल यूज़ करते हैं। ये हमने ग्रिड की हेडर फाइल यूज़ करी। तो अब जो हम स्टार्ट करेंगे ना, पिछले जो मैंने पिछला कोड लिखा था वो था एक तरह से हमारा बिल्कुल बेसिक कोड, जिसमें कोई क्लास नहीं थी कोई कुछ नहीं था। लेकिन अब हम थोड़ा एडवांस कोड लिखेंगे। एडवांस कोड में क्या होगा, अगर आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज आती है, सिर्फ बेसिक लैंग्वेज, ये नहीं कि बहुत हाई लेवल लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी, सिर्फ इसका आपको बेसिक पता होनी है सी प्लस प्लस का, कि क्लास कैसे बनाते हैं, सिंपल क्लास बस। और ये नहीं कि एडवांस क्लास एडवांस ऑब्जेक्ट बनाने, आपको सिर्फ एक सिंपल क्लास बनाना आपको सीखना पड़ेगा। यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, आराम से आप सीख सकते हो, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेंगे। एक सिंपल क्लास, एक सी प्लस प्लस में कैसे प्रिंट करते हैं, और सी प्लस प्लस में कैसे यूज़र से इनपुट लेते हैं। देखिए अगर मैं आपको बता दूँ, यूज़र से इनपुट लेते हैं तो हम सी इन का यूज़ करते हैं, प्रिंट कराते हैं तो सी आउट का यूज़ करते हैं, कोई क्लास हम क्रिएट करते हैं तो हम क्लास और पब्लिक लिखते हैं। तो इसमें ये देखते हैं कि इसमें कैसे, अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा हो तो आप सी प्लस प्लस का बेसिक लेक्चर यूट्यूब पे देख सकते हो कि सी क्लास कैसे यूज़ करते हो, और बाकी आपको मैं बता ही दूंगा इस वीडियो के अंदर, बहुत आसान चीज़ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्लास, क्लास लिखा, फिर क्लास जब मैंने क्लास बनाई तो जैसे आप सी लैंग्वेज में क्या होता है, हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक की वर्ड यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम लिखते हैं अपने स्ट्रक्चर क्लास और स्ट्रक्चर का वेरिएबल का नेम, जहाँ पे हमारे सारे एलिमेंट स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर होंगे। तो ऐसे हमने यहाँ पे बनाया क्लास, हम क्लास का लिखेंगे वेरिएबल नेम। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं किसका यूज़ करूँगा, जैसे मैंने कर्सर को बनाया तो मैंने यहाँ पे लिखा कर्सर, आप इसको कुछ भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर हम लगाएंगे कोलन, कोलन के बाद हम इसको लिखेंगे पब्लिक। पब्लिक मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये जो मेरा कर्सर है ये हर जगह मैं इसको यूज़ करता हूँ अपने फंक्शन के अंदर। अगर मैं इसको प्राइवेट लिखता तो मैं कुछ ही फंक्शन में इसको यूज़ कर पाता, लेकिन मैं इसको पब्लिक मैंने लिख दिया, तो मैं ये जो मेरा कर्सर है, ये जो मैंने वेरिएबल इस नाम से बनाया है, जो क्लास मेरा वेरी जो मेरी क्लास बनेगी कर्सर के नाम से, मैं उसको अपने फंक्शन के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको पब्लिक लिखा है। फिर अपनी पब्लिक के अंदर हम किसका यूज़ कर रहे हैं, क्यू विजिट का, यानी कि क्यूटी का। तो इसलिए हम यहाँ पे क्यूटी लिखेंगे अपनी, फिर अपनी फिर हम नीचे आ जाते हैं, फिर हम दोबारा पब्लिक लिखते हैं, फिर पब्लिक के बाद हम नीचे आ जाते हैं, फिर अपने क्लास का नाम लिखते हैं जो हमने क्लास क्रिएट किया कर्सर, फिर हम लिखते हैं क्यू विजिट क्यू। अब इसके अंदर हमें एक वेरिएबल, एक पॉइंटर नाम का वेरिएबल बनाते हैं क्यू विजिट के अंदर, जो वो वेरिएबल क्या काम करेगा, वो वेरिएबल ये काम करेगा कि जितना मैं इस फंक्शन इस क्लास के अंदर जो अपने एलिमेंट्स क्रिएट करूँगा या कुछ भी चीज़ परफॉर्म करूँगा इस क्लास के अंदर, वो उस चीज़ को होल्ड कर लेगा। होल्ड करने के बाद मतलब उस चीज़ का सारा एड्रेस अपने अंदर ले लेगा, मतलब अपने अंदर होल्ड कर लेगा। होल्ड करने के बाद क्या काम करेगा, वो उस एड्रेस को इस कर्सर के अंदर पास करेगा। फिर मैं क्या काम करूँगा, इस कर्सर को अपने मेन फंक्शन के अंदर कॉल करूँगा। उस कॉल को करने के बाद ये जो मेरा आउटपुट है इस फंक्शन के अंदर जो मैंने लिखा है, वो आउटपुट मेरे मेन फंक्शन में जाएगा, और जाने के बाद वो स्क्रीन पर हमारा प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि कुछ भी चीज़ हमारी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हमारा कंपाइलर क्या काम करता है, मेन फंक्शन के अंदर जाता है, फिर मेन फंक्शन वो चेक करता है कि इस फंक्शन में कॉल कहाँ पर की गई है। तो हम सबसे पहले हमने क्लास बनाई कर्सर के नाम से, फिर कर्सर के नाम से हमने क्यू विजिट के अंदर एक पॉइंटर एक वेरिएबल बनाया, जिसका मैंने लिखा मैंने पेरेंट, और इस मैंने इस पॉइंटर को मैंने बराबर कर दिया किसके, नल पीटीआर। अब नल पीटीआर का मतलब क्या होता है, नल पीटीआर का मतलब होता है कि ये जो मेरे पेरेंट वेरिएबल है यानी कि पेरेंट पॉइंटर है, एक तरह से बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। क्योंकि अगर मैं इसके अंदर कुछ रखूंगा तो वैसे ही मेरे अंदर इतने एलिमेंट्स में क्रिएट करने वाला हूँ तो कुछ ऐड ही नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, बिल्कुल खाली छोड़ दिया। अभी इसको हम क्लोज कर देंगे, ये मेरा यहाँ पे मेरी क्लास बन गई किसके नाम से, कर्सर के नाम से। तो अब मैंने क्लास तो बना ली,
अब मुझे क्या काम करना है, क्लास का यूज़ भी तो करना है। अब मेरे ये तो है नहीं कि बने मैंने बना के छोड़ ही दी, अब बना के छोड़ दूँ तो मेरी क्लास बेकार हो जाएगी। अब मुझे क्लास का यूज़ भी तो करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने क्लास 12th अपने स्कूल में क्रिएट कर दी, लेकिन उस क्लास में अगर बच्चे ही नहीं होंगे तो क्लास का फ़ायदा क्या, स्कूल का खर्चा कैसे निकलेगा, पैसे कैसे कमाओगे आप लोग। तो ऐसे हम क्लास का क्या करेंगे, अपने फंक्शन में यूज़ करेंगे। कर्सर यहाँ पे मैंने दो बार क्लास इसलिए लिखी है क्योंकि ये क्लास हमारा इस फंक ये क्लास क्या काम करेगी, ये क्लास इधर से जाके इस फंक्शन में उसका एड्रेस पास करेगी। मतलब ये जो मेरा क्लास है, ये क्लास मेरा इस क्लास पे अपना एड्रेस पास करेगी, किसके थ्रू, पेरेंट के थ्रू। तो देखते हो कैसे होगा। ये मैंने यहाँ पे कोड लिखा विजिट, दोबारा मैंने अपना यहाँ ये लिखा अपना वेरिएबल पॉइंटर जो है मेरा, फिर मैं नीचे आया, फिर मैंने लिखा यहाँ पे क्यू विजिट, क्यू विजिट के बाद मैंने लिखा यहाँ पे पेरेंट। पेरेंट लिखने के बाद मेरा यहाँ से क्या हो गया, कोड स्टार्ट हो गया। अब मेरा कोड स्टार्ट हो गया, अब हम क्लास के अंदर आ चुके हैं। अब हमें ऐड करने यहाँ पे स्टूडेंट्स, यानी कि कोई भी हम क्लास के अंदर यहाँ पे क्या ऐड करने हैं, सिंपल एलिमेंट्स ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं यहाँ पे ऑटो का। यहाँ पे आप ऑटो यूज़ कर सकते हो, ये देखो मैं तो ऑटो यूज़ करता हूँ। ऑटो क्या है, हमें बार बार न्यू कोई भी वेरिएबल, न्यू कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शंस हमें या डेटा टाइप कोई यूज़ करना नहीं पड़ता। हम सिंपल ऑटो लिखते हैं, वो अपने आप ही डिटेक्ट हो जाता है कि ये ऑटो है। तो ये हमारा यूज़र कोई ना कोई चीज़ इसको क्रिएट कर रहा है अपने आप। तो हमने यहाँ पे हमने ऑटो लिखा, ऑटो के बाद हमने लिखा हम किस नाम से बनाएंगे, कुछ भी लिख लो। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फ्रेम 1, तो यहाँ पे हम एक फ्रेम बना रहे हैं, तो मैंने फ्रेम 1 लिखा। ये हमारा फ्रेम क्या है, अगर आप एक चीज़ कोई कुछ चीज़ पहली बार बनाओगे, नई चीज़ बनाओगे, तो सबसे पहले लिखोगे न्यू, कि जिससे क्यूटी के अंदर ये चीज़ पता रहे कि इस यूज़र ने ये चीज़ फर्स्टली मतलब फर्स्ट टाइम बनाई है, तो इसलिए इसने न्यू लिखा है। तो हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं फ्रेम। तो यहाँ पे मैंने लिखा फ्रेम। जैसे मैंने ये चीज़ यहाँ लिखी है फ्रेम, इस फ्रेम को मुझे यहाँ लिखना पड़ता, लेकिन मैंने सिंपल ऑटो का यूज़ कर लिया। तो ऑटो अपने आप ही इस चीज़ को डिटेक्ट करेगा कि ये चीज़ हमारी एक तरह से क्या है, फ्रेम है, इसलिए मैंने इसको सिंपल फ्रेम लिखा है। अब मैंने लिखा दिस। दिस का मतलब ये है कि इस फ्रेम के अंदर जो भी कुछ हमारा वेरिएबल क्रिएट होता है वो तो सिंपल एक तरह से ब्लैंक है, इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है। तो इसके अंदर अब हमें फ्रेम के अंदर कुछ स्टाइल सेट करना पड़ेगा। तो मैंने ये चीज़ लगा इसलिए लगाई क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज़ क्या किया, मैंने यहाँ पे पॉइंटर का यूज़ किया है। तो अगर आपने सिंपल सी के अंदर स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी वेरिएबल का एड्रेस अगर होल्ड करते हैं तो उसके अंदर ये इस तरह का साइन यूज़ करते हैं, जिसको बोला जाता है पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस। इसको मैंने यूज़ किया। फिर इसके अंदर मैंने सेट फ्रेम स्टाइल मैंने लिखा। अब मेरा फ्रेम का स्टाइल किस तरह से हो गया, एक तरह का क्यू, मेरे फ्रेम का स्टाइल हो गया बॉक्स, ये प्री डिफाइंड होता है क्यूटी के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक तरह का क्या बनेगा, मेरा बॉक्स बनेगा ये। तो सेट फ्रेम स्टाइल ये मेरा प्री डिफाइंड है, ये आपको थोड़ा इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ये वाली प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है। तो मैंने सेट फ्रेम स्टाइल लिखा। तो जैसे मैंने ये लिखा तो इसके अंदर मैंने फ्रेम अपना किस तरह का मैं क्रिएट कर रहा हूँ, एक तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ जो हमारा वर्टिकल फॉर्म में है। अब मैंने अपना लिखा कि फ्रेम 1, अब मेरा फ्रेम 1 जो है वो मेरा सेट, यहाँ पे मैंने सेट कर्सर करा, जो मेरा फ्रेम वर्क है वो उसका कर्सर का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, उस कर्सर का डिज़ाइन होना चाहिए मेरा किस फॉर्म में, जल्दी बताओ, साइज ऑल कर्सर, मतलब उस तरह उसका डिज़ाइन होना चाहिए कर्सर की फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी घड़ी घूमती रहती है ना, उस तरह का मेरा डिज़ाइन यहाँ पे शो होगा। बहुत तरह के डिज़ाइन होते हैं, जैसे एक डिज़ाइन होता है वेट कर्सर, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी चीज़ ओपन करी है, थोड़ा टाइम लगा लिया, तो उसमें कुछ चीज़ लोडिंग का ऑप्शन आता है ना माउस के कर्सर के अंदर, तो वो भी यहाँ पे निशान है, या कोई पॉइंटिंग कर्सर है। बहुत सारी तरह के डिज़ाइन होते हैं कर्सर के अंदर, मैं एक सिंपल ये डिज़ाइन यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, एक लेआउट बनाना है अपने फ्रेम के अंदर। जैसे मैंने अभी लेआउट बनाया नहीं है, तो सबसे पहले हम लेआउट क्रिएट करते हैं। ऑटो मैंने बताया था ऑटो का किस लिए यूज़ होता है, एक मैंने सिंपल ग्रिड नाम का एक वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल लिया लेआउट बनाने के लिए। तो अब मैं लेआउट क्या बना रहा हूँ, फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा न्यू क्यू ये ग्रिड, ये मैंने ऊपर यहाँ पे इसका हेडर फाइल यूज़ करी है, तो इसलिए हम इसके यहाँ पे भी यूज़ करेंगे क्योंकि हमें लेआउट बनाना, तो हम सिंपल लेआउट के लिए यूज़ करेंगे। तो मैंने लिखा यहाँ पे दिस, मैंने आपको बताया दिस कैसे होता है। इसको लिखने के बाद फिर हमने ग्रिड लिखा, ग्रिड मैंने ग्रिड लिखा, तो ग्रिड क्या है, एक हमारा पॉइंटर वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐड विजिट कर देते हैं।
एड विजिट का मतलब होता है जो आप चीज़ एलिमेंट में फ्रेम के अंदर जो आपने फ्रेम बनाया वो फ्रेम हमने बना तो दिया, लेकिन हमें फ्रेम क्या करना है, शो भी तो करना है, तो इसलिए शो होने के लिए हम एड विजिट करते हैं। एड विजिट का मतलब होता है कुछ भी चीज़ क्या करेगा, शो कर देगा हमारे एक प्रॉम्प्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैंने हमें अब हमें शो क्या करना है, अपना फ्रेम वन शो करना है। ये तो है नहीं आप कुछ भी शो कर दोगे, अब हम क्या शो करेंगे, फ्रेम वन। फ्रेम वन हमने शो करा, अब शो करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका सेट लेआउट कर देंगे। सेट लेआउट हमारा क्या है, ग्रिड। अब ये क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा फंक्शन क्रिएट, फंक्शन मेरा हो गया रेडी। तो मैंने क्लास क्लास बनाई कर्सर के नाम से, जो क्लास इस एड्रेस के क्लास को पॉइंट कर रही है। इसके अंदर मैंने एक फ्रेम बनाया, फ्रेम को जैसे मैंने फ्रेम बनाया उस फ्रेम को मैंने शो करने के लिए लेआउट बनाया, उस लेआउट को मैंने ग्रिड के अंदर डाल दिया। जैसे ये मेरा ये सेट लेआउट करेगा तो ग्रिड को क्या कर देगा, शो कर देगा, मतलब एक हमारा फ्रेम हमारा क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। अब हम इसको मेन फंक्शन के अंदर इसको कॉल करते हैं, जैसे सिंपल आप फंक्शन कॉल करते हो ना सी के अंदर, ऐसे यही है। तो यहाँ पर हम सिंपल इसको कॉल करते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट हमारा मैंने बताया था कमांड लिंक यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ये हम एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं इसलिए हमने लिखा ऐप ARGV, उसको हमने किया क्लोज। अब हम यहाँ पे फंक्शन का अपना नेम लिखेंगे कर्सर, फिर कर्सर के अंदर हम किस वेरिएबल के थ्रू इसको यूज़ करेंगे, मैंने सिंपल विंडो लिख दिया, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले हमें विंडो का हमारा साइज़ क्या होगा, आपको मैंने बताया था कि साइज़ और विंडो कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मेरी विंडो का साइज़ लिखा अपना कितना, 400 इसकी विड्थ रहेगी और 200 इसकी क्या रहेगी, हाइट रहेगी। तो इसको यूज़ करने के बाद मैंने लिखा विंडो का टाइटल क्या रहेगा हमारा, हमारे विंडो का टाइटल रहेगा हमारा, हमारे विंडो का टाइटल रहेगा आज का लेक्चर का नेम, जो कि है हमारा कर्सर एंड फ्रेम। हमारे विंडो का टाइटल हो गया। अब हमने इसको शो भी तो करना है, तो यहाँ से हमने इसको शो कर लिया। तो शो करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न ऐप करेंगे। रिटर्न ऐप का मतलब है ये एप्लीकेशन हमारी सक्सेसफुल कंपाइल होकर शो होगी। अब मेरा क्या हो गया, कोड मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका, अब मेरा क्या हो गया, पूरा कोड कंप्लीट हो चुका। अब इसको हम अपनी अंदर दूसरी फाइल बनाते हैं, कौन सी फाइल बनेगी भाई, दूसरी क्यूटी की मेन फाइल, क्यूटी मेन डॉट प्रो फाइल में आ गए अपना। जैसे हम फाइल में आए तो मैं इसको थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। तो बड़ी करने के बाद मैं अब हम फाइल बनाएंगे किस फॉर्म में, सबसे पहले क्या हम लिखेंगे यहाँ पे टेम्पलेट। टेम्पलेट हमारा क्या है, हम क्या बनाने, एक ऐप बना रहे हैं। फिर हमें लिखा हमने कॉन्फिग C++11, इसको मैंने लिख दिया। अब इसको लिखने के बाद मेरा क्या है टारगेट, मेरी बाइनरी किस फॉर्म में, मेरी बाइनरी किस के रूप में क्रिएट होगी, एक एप्लीकेशन के रूप में। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने टारगेट, अब मेरा सोर्स फाइल मेरा ये कहाँ से सोर्स, यहाँ से कोड फेच करेगा, कौन सी फाइल से, ये करेगा मेन डॉट CPP फाइल से। और मेरा क्यूटी क्या है, एक तरह का ये हमारा एक तरह का क्या है, ये एक तरह का हमारा विजिट है। तो ये हमारा दोनों फाइल क्लियर हो गई, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये हमारी दोनों फाइल क्या हो गई, क्लियर हो गई, हमारी मेन फाइल भी बन गई, हमारी क्यूटी की फाइल भी बन गई। अब हमारा क्या काम रह गया, ओनली क्या रह गया, हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस पेंडिंग। तो आइए कंपाइलेशन प्रोसेस साथ मिलकर इसको कंपाइल करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखें, सबसे पहले हम लिखेंगे क्यू मेक मेन डॉट क्या लिखेंगे प्रो, जिससे हमारी कौन सी फाइल बनेगी, हमारी मेक फाइल बनेगी। अब हमारी देखिए यहाँ पे ls -l करता हूँ मैं, तो हमारी तीन फाइल शो होंगी, तीन फाइल शो हो गई हमारी, मेक फाइल, मेन डॉट CPP फाइल और मेन डॉट प्रो फाइल। तो आइए इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। लेस्ट कंपाइल एरर, यहाँ पे इसने क्या दिया, इसने दिया इसको एरर दिया। अब एरर इसने क्यों दिया, आइए पहले सबसे पहले एरर को समझते हैं। एरर इसने दिया कि अनएक्सपेक्टेड कर्सर, क्या दे रहा है, कर्सर दे रहा है अनएक्सपेक्टेड, इसको आउटपुट नहीं मिल पा रहा। तो सबसे पहले दोबारा अपनी मेन फाइल में जाते हैं। जैसे हम मेन फाइल में गए, मेन फाइल में जाने के बाद हमने कोई मिस्टेक करी यहाँ पे, शायद मैंने इसको स्मॉल में लिख दिया है। यस, मैंने इसको क्या लिख दिया, इसको W को मैंने क्या लिख दिया, स्मॉल में लिख लिया, क्योंकि स्मॉल में लिखा नहीं जाता, लिखा जाता है कैपिटल में, इस वजह से हमारी मिस्टेक आ रही थी फाइल कंपाइल होने में। तो दोबारा हम इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया सक्सेसफुल, हमारी एप्लीकेशन का आउटपुट आ गया, किस फॉर्म में आया, एप्लीकेशन के फॉर्म में, जो हमने मेन डॉट प्रो में हमने क्रिएट करी थी। तो इसको रन करते हैं, हमने रन करा इसको, ये आ गया हमारा रन।
ये आ गया हमारा, ये स्क्रीन आपको विजिबल, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये मैंने जूम कर दी, ये देखिए इसके अंदर मेरा कर्सर इस फॉर्म में आ रहा है, इस फॉर्म की डिजाइनिंग फॉर्म में। इसमें आप बहुत तरह के कर्सर अपने कोड के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो मैंने अभी सिंपल, मैंने अभी साइज और कर्सर किया था, जिससे हमारा इसका इस फ्रेम, जैसे अब मैं इस फ्रेम के बाहर जाऊंगा तो मेरा माउस इस तरह का कर्सर हो जाएगा, जैसे मैं पॉइंटिंग कर्सर हो जाएगा, जैसे मैं अंदर जाऊंगा तो मेरा इस तरह का कर्सर हो जाएगा। और मेरा जो ये है, एक तरह का क्या है मेरा, एक तरह का ये फ्रेम डिज़ाइन हो रहा है। क्या है ये, एक तरह का फ्रेम डिज़ाइन हो रहा है। इस फ्रेम के अंदर हमारा पूरा आउटपुट आएगा। तो आज की हमारी वीडियो में ये हमने फ्रेम सीखा, कर्सर सीखा कि कर्सर कैसे क्रिएट करते हैं, फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आने वाले नए लेक्चर में हम बात करेंगे क्यूटी के और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, क्यूटी के अंदर कैसे कोई पुश बटन, कैसे कोई सिंपल बटन, कैसे कोई लेबल क्रिएट होता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कि हमने कर्सर और क्यू फ्रेम कैसे यूज़ किया जाता है। तो आने वाली नई वीडियो में हमारे साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।